नमस्ते, कैसे हो बेटे? बढ़िया, मजे में छो? मजे में रहो बेटे, मस्त रहो, मजे में रहो और बस पढ़ाई करते जाओ और पास हो जाओ। आओ आओ, लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 11 मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और बेटे इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा है, तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंस बिटवीन 11। क्वेश्चन क्या है मैं लिख दूं और फिर वो लिस्ट में से दिखाऊंगा जो शॉर्ट नोट्स वाली लिस्ट है। व्हाट इज द What is the difference between net income and net operating income approach? आराम से बैठे, कोई जल्दी नहीं है। दिसंबर 2014, जून 2015 प्लस प्रैक्टिस मैनुअल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआई एंड एनवाई? तो बेटे डिफरेंस बिटवीन भी बहुत आ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन अगर आपने ध्यान से कर लिया तो आपके पांच शॉट, पांच डिफरेंसेस अगर बढ़िया हुए तो बेटे मैं तो 50 करा रहा हूं बेटे। बस अब बिगुल बज गया है, अब घंटी बज गई है, अब तो बस पास होना है, अब तो सारे वीडियोस देखने हैं, सारे वीडियोस को सब्सक्राइब करना है, बस बेटे अब आपकी बारी है बेटे। एक मिल्खा सिंह था, मिल्खा बेटे किस तरह से उसने अपनी ट्रेनिंग की। एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था और उससे गलती हो गई थी, उसके बाद कैसे भूल सुधार किया। कहते हैं जो भी काम आप फोकस होके करते हैं वो आपको हासिल हो जाता है, मिल जाता है। आप आने वाले दिनों में फोकस्ड होके थ्योरी के वीडियोस देखिए, आप ही के लिए मैं बना रहा हूं, आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप ही का फायदा होगा और आप 80 प्लस लेकर आएंगे बेटे। आइए एक मिनट जरा हम उस मिल्खे की बातें तो देख लें कि वो मिल्खा कहता क्या है। बज गया घंटा, आपका भी फिर बज गया। पढ़ाया आपने? मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा बेटे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपने जमाने में मिल्खा सिंह को बुलाया, ऐसी आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आपको बुलाए। कुछ ऐसा कर गुजरो, कुछ ऐसा पागलपन कर गुजरो और लाइफ में जिसमें सबको फायदा हो। आओ बेटे। धर्मेंद्र मजीदर, ये है बेटे ट्रेनिंग, ये है टायर को बांध के बर्फ के सीना निकाल दो कि पूरी बाल्टी भर जाए, मजा आ जाए पढ़ाई करके, 80 प्लस आ जाए बेटे। आओ इसी बात से हम आगे चलेंगे। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें जी। पहले तो अपना रजिस्टर ओपन कर लें, मैं आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। आप देखिए जी, हम 11 नंबर पर पहुंच चुके हैं, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम। 11 दिसंबर 2014 में तो आया था, अभी आगे देखना जून 2015 प्रैक्टिस मैनुअल में भी आया हुआ। तो मैं इस समय 11 शॉर्ट नोट कर रहा हूं। आप सभी के सभी महान देश के महान बच्चे हो, आप सभी अपनी बुक नंबर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक 1, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक 1 ओपन कर ले और बेटे उसका पेज नंबर 236, क्वेश्चन 25,
क्वेश्चन 25 देखिए, मैंने तो निकाल दिया, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, निकालिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज और एक्सप्लेन दिस 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 एनआई एनवाई। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बेटे सारा मसाला मैंने इसमें दिया हुआ है, ये देखिए नेट इनकम अप्रोच ये पूरी लिखी है, फिर उसका एक्सप्लेन किया है, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पूरी लिखी है। बेटे पूरा मसाला दे दिया है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, चर्चा करूंगा, समझाऊंगा और फिर मैं इस मसाले में आऊंगा और फिर आप वहां जाकर झंडे गाड़ के आओगे। आओ 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 झंडे गाड़ते हैं बेटे। बेटे मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, जब भी डिफरेंस बिटवीन का आए तो आपने इस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है, इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे बेटे। बेटे ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे जो हमारे को दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो तो नंबर ज्यादा आएंगे। हाँ अगर आपको पूरा हाथ इसमें क्लियर नहीं है, जुगाड़ लिखना है तो फिर आप पैराग्राफ लिखें, लेकिन कंसेप्ट समझे आप आराम से कर पाएंगे, मुझे मालूम है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डेट इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर, कुछ भी कह दे, कैपिटल स्ट्रक्चर कह दे, डेट इक्विटी मिक्स कह दे, इज कॉम्पोजिट ऑफ, बेटे इज अ मिश्रण, इज अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। बेटे थोड़ा सा डेट और थोड़ी सी इक्विटी मिलाकर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को बना देते हैं, ये बात आप सब जानते हो। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी एंड इक्विटी। अब सवाल आता है कि इफ आई नीड 10 लाख रुपीस एज टोटल फंड्स, इफ आई नीड 10 लाख रुपीस एज टोटल फंड्स, मान लेते हैं कि मुझको 10 लाख रुपए टोटल फंड्स चाहिए, तो बेटे मेरे पास चॉइस है कि मैं डेट से 6 लाख ले लूं, इक्विटी से 4 लाख ले लेता हूं और 4 लाख डेट से ले लेता हूं, 6 लाख इक्विटी से ले लेता हूं और 2 लाख डेट से ले लेता हूं, 8 लाख इक्विटी से ले लेता हूं। बेटे पैसा तो पैसा ही है, आप रामलाल से ले, श्यामलाल से ले, डिबेंचर होल्डर से ले, इक्विटी होल्डर से ले, इसमें क्या डिफरेंस है? लेकिन बेटे फाइनेंस मैनेजर की नजर में देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं उस पे हम केडी पे करते हैं और जो इक्विटी होती है उसके ऊपर हम के ई देते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देते हैं, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर होती है तो जो हम इसके बाद इसकी वेटेड कॉस्ट निकालते हैं, बेटे इफ देयर इज अ हाई डेट इक्विटी तो बेटे वेटेड कॉस्ट जो है लो आएगी। एक बच्चे को नींद आ रही थी, पता नहीं क्या बोल गया मास्टर, मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए चाहिए, कुछ पैसे डिबेंचर्स लेंगे और डिबेंचर्स पे हमें टैक्स इंटरेस्ट देना होता है, कांस्टेंट अमाउंट है, टैक्स की छूट मिलती है, इसलिए डिबेंचर के ऊपर जो कॉस्ट है वो सस्ती पड़ती है और इक्विटी की कॉस्ट महंगी पड़ती है, क्योंकि उनको बोनस शेयर्स चाहिए, राइट शेयर्स चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, डिविडेंड चाहिए। इसका मतलब अगर आप उस 10 लाख में से डेट का प्रपोर्शन ज्यादा रखोगे तो आपकी वेटेड कॉस्ट कम आएगी, और अगर आप उसी 10 में इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा रखोगे तो फिर वेटेड कॉस्ट ज्यादा आएगी। अब बेटे 10 तो 10 ही है,
एक में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, एक में कम आ रही है, जिसमें कॉस्ट कम आएगी उसमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे, जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और जब प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो ईपीएस ज्यादा होगा, और जब ईपीएस ज्यादा होगा तो सेंटीमेंट स्ट्रांग होंगे, जब सेंटीमेंट स्ट्रांग होंगे तो एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा होगा, और जब मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी और हम सब अमीर बन जाएंगे। बेटे ये मैंने आपको एक वैसे ही धीरे 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 सारी बातों को बताने की कोशिश की, लेकिन बेटे इस बात पे पता नहीं आप सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि दुनिया में पिछले हजारों सालों से इस बात पे लड़ाई चलती आ रही है। कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट ये कहते हैं कि यस डेट इक्विटी मिक्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द एमपीएस एंड वैल्यू ऑफ फर्म, और कुछ ये कहते हैं नो डेट इक्विटी मिक्स डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल अफेक्टिंग डेट इक्विटी मिक्स। तो बेटे अब हमें डिसाइड करना है, तो मैं आज आपके सामने जो खड़ा हूं ये खड़ा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को आप सभी को समझाने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के मैं दो ब्रॉड कैटेगरीज कर सकता, एक कैटेगरी कहती है डेट इक्विटी मिक्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, डेट इक्विटी मिक्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग ईपीएस, इन अफेक्टिंग एमपीएस एंड इन अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ फॉर्म। इस थ्योरी का नाम है नेट इनकम अप्रोच, जो आपसे पूछा गया है डिफरेंस। बेटे लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं। बेटे दूसरी थ्योरी कहती है डेट इक्विटी मिक्स डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये कहते हैं डेट इक्विटी मिक्स शॉर्ट रन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट लॉन्ग रन में डेट इक्विटी मिक्स से कोई भी वैल्यू ऑफ फर्म का लेना देना नहीं है। तो बेटे दोनों की दोनों अप्रोचेस ऑपोजिट हैं, तो आपको डिफरेंस लिखना है। तो जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी, अप्रोचेस नहीं पता होंगी, रेलेवेंट थ्योरीज नहीं पता होगी, इसलिए मैं भूपेश आनंद पहले आपको नेट इनकम अप्रोच के बारे में बता रहा हूं। बेटे चार क्लासेस लिए मैंने प्रैक्टिकल जब इसको कराया था, चार, वहां भी थ्योरी बताई थी, यहां भी बता रहा हूं, वहां भी प्यार था यहां भी प्यार। बस आप अगर मुझसे प्यार करते हैं तो एक बात करना, इस वीडियो को लोगों को शेयर करवाना, लोगों से सब्सक्राइब करवाना, खुद सब्सक्राइब करना, सबका भला होगा बेटे, सबका भला होगा, हर ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का भला होगा और आपका भी ऑटोमेटिकली भला होगा। जब आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, उस स्टूडेंट के लिए, तो वो आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। आइए मैं नेट इनकम अप्रोच में आपको थोड़ा सा बुक की तरफ लेके चलो कि बुक क्या कहती है। नेट इनकम अप्रोच सजेस्ट दैट बोथ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्केट वैल्यू आर अफेक्टेड बाय फर्म्स यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब
मतलब जब एक कंपनी डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन बढ़ाती है तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म में बदलाव आ जाता है. ठीक है जी. इन अदर वर्ड्स द फर्म इज एबल टू इंक्रीज इट्स टोटल वैल्यू एंड लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब जैसे जैसे डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा वैसे 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 वेटेड कॉस्ट कम आएगी और मार्केट प्राइस ईपीएस और वैल्यू ऊपर बढ़ेगी. बेटे एक केस स्टडी मैंने यहां पे ली है, इस केस स्टडी में यही बताने की कोशिश की है. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने प्रैक्टिकल क्लास में लिखवाए थे, तो मुझे लगता है कि वो आप वहां से भी देख सकते हैं. अब मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा बताऊं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. बेटे ये बड़ी कमाल की थ्योरी है जो अब मैं बताने जा रहा हूं. ये कहती है डेट इक्विटी मिक्स कैन अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ईपीएस एमपीएस एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म. इन शॉर्ट रन में बेटे इफेक्ट होगा. आप किसी को देखते हो पहली बार तो शॉर्ट रन में आप उससे अट्रैक्ट होते हो, लेकिन सवाल आता है क्या आप किसी की फिजिकल ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट होगे? ये फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? एनओआई अप्रोच ये कहती है कि आप किसी को फिजिकली देखते हो तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, ये घाटे का सौदा है. डेट इक्विटी मिक्स बाहर की चीज है, आप इसको चेंज करके कैसे किसी वैल्यू ऑफ फॉर्म को चेंज कर सकते हो? आपको अगर सच में किसी से अट्रैक्ट होना है तो आप उसकी इंटरनल ब्यूटी को देखो. इंटरनल ब्यूटी क्या होती है किसी कंपनी की? प्रॉफिटेबिलिटी. इसका मतलब अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है या उसके पास प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है तो बेटे तभी उसकी वैल्यू ऑफ फर्म फ्यूचर में बढ़ेगी. अदरवाइज धीरे धीरे डेट इक्विटी मिक्स से जो वैल्यू बढ़ी भी है बराबर आ जाएगी. तो बेटे एनओआई अप्रोच और एनआई दोनों ऑपोजिट हैं. आइए रजिस्टर निकाल लीजिए प्लीज. मैं चाहता हूं कि कुछ डिफरेंसेस आपको अपने अभी लिखवा दूं. आइए जी पहले एक बार पेज नंबर 238 में भी आ जाए. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. दिस अप्रोच सजेस्ट दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड वेटेड कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स अनचेंज्ड. हाईलाइट करिए. For all proportions of debt equity with increase in financial leverage, there is increase in financial risk. ये कहते हैं जी जैसे जैसे लिवरेज बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स चुप नहीं बैठेंगे. राधा बोलेगी. बोल राधा बोल, कुछ तो बोल. और बेटे अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी और वेटेड कॉस्ट फिर उतनी आ जाएगी जितनी पहले थी. बेटे मैं मसाला दे चुका हूं. आइए हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देखें कैसे लिखना है. आइए बेटे रजिस्टर खोल लीजिए. नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम. आइए बेटे प्लीज सभी यहां पर हम मान रहे हैं
पहली बात मैंने कहा, मैंने मैंने अज्यूम किया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लेकर मैं यहां पे कुछ लिखना चाह रहा हूं, मैंने लिखा नेट इनकम अप्रोच में मैं अज्यूम कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन सेम, बट एनओआई में हम मान रहे हैं के ई विल इंक्रीज बाय इंक्रीज इन डेट, डेट के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी। दूसरी बात कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट को जब हमने निकालना है तो हम यहां पे यूज कर रहे हैं एस अपॉन वी इंटू के ई प्लस बी अपॉन वी इंटू के डी, और ये जो एस की वैल्यू है यहां पर हम इसको निकाल रहे हैं एन आई अपॉन के ई। इसका मतलब मैं यहां पे कह रहा हूं के ई इज गिवन, बट बेटे यहां पर के ई इज टू बी कैलकुलेट, बेटे यहां पर हम के ई को निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और तीसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे एन आई अप्रोच और एनओआई अप्रोच में दोनों के फ्लो चार्ट भी अलग अलग है। बेटे परसेंटेज ऑफ नेट, मैं तो कहता हूं आपने पैराग्राफ में लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, लेकिन आप डायग्राम तो समझ लीजिए, केडी केडब्ल्यू के ई, केडी केडब्ल्यू के ई, बेटे केडी नीचे होती है, केडी नीचे होती है, के ई ऊपर होती है, बेटे के ई ऊपर होती है, और केडब्ल्यू यहां से शुरू होगी और बेटे यहां तक टच नहीं करेगी, चलती रहेगी, ये केडब्ल्यू है। अगर 100% इक्विटी होगी तो केडब्ल्यू और के ई सेम होंगे। और दूसरा के ई, बेटे यहां पर एनओआईए ने माना कि जैसे जैसे डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी और अल्टीमेटली वेटेड कॉस्ट उतनी ही आएगी जितनी पहले आई थी। और बेटे एनआई अप्रोच कहती है डेट इक्विटी मिक्स इज द इंपॉर्टेंट, तो मैंने कितने डिफरेंसेस लिख दिए, तीन लिख दिए, तीसरा डायग्राफ, फोर्थ डेट इक्विटी मिक्स इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अफेक्टिंग वैल्यू, और यहां पे लिख रहे हैं बेटे, यहां पे लिख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी, प्रॉफिट को कमाने की क्षमता इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू डेट इक्विटी मिक्स। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। प्यार किया तो डरना क्या मेरे बेटे, मैंने आपसे मोहब्बत की है और मैं मोहब्बत करके निभाता हूं, आपने अगर मुझसे की है तो आपको ईमानदारी से लेक्चर को करना है और आगे लोगों को, पांच बच्चों को आगे इसको बांटना है, बस बेटे मैं समझूंगा आपने ईमानदारी से काम कर लिया, ठीक है बेटे।